देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा जो है वो किंगडम मैमेलिया का एक पार्ट है, ठीक है, सबसे पहला फाइलम है। और इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, शरीर की बनावट जो है बिल्कुल साधारण है। अगर हम लोग बात करें इनके शरीर के बनावट की, क्लियर, तो शरीर के बनावट की बात करें तो उसके शरीर के बनावट के बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। कैसे बांटा जाता है इसको तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट कर रहा है, फाइलम इंक्लूड्स अबाउट 5000 स्पीसीज ऑफ स्पॉन्जेस। इस फाइलम के अंतर्गत लगभग 5000 जातियाँ आती हैं और इनके सदस्यों को हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं, ठीक है। इन सदस्यों को यानी इन स्पीसीज को हम लोग तीन क्लास में बांट देते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड इन थ्री क्लासेस डिपेंडिंग मेनली अपॉन द नेचर ऑफ स्केलेटन दे पॉजेस। ये इस बात पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि इनका जो अंतः कंकाल है, इनका जो कंकाल है, स्केलेटन जो है, वो किस तरह के केमिकल सब्सटेंस का बना हुआ है, किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का बना हुआ है। इस बेसिस पे हम लोग इसको तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, तीन क्लास में बांट देते हैं, ठीक है। और वो जो क्लासेस हैं, जो वर्ग है, वो फर्दर डिवाइड होता है सब क्लासेस में, अदरवाइज उपवर्ग में, अदरवाइज ऑर्डर में बटा होता है, ठीक है। हम लोग इस ऑर्डर इसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सा क्लास है, तो तीन इसके क्लास के हिस्से हैं। पहला क्लास जो है उसे हम लोग कैल्केरिया या कैल्सी स्पंजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्लास कौन सा है, जिसे हम लोग डिमो स्पंजी या डिमो स्पंजी बोलते हैं, और एक को हम लोग हाइलो स्पंजी बोलते हैं। तीन और क्लास हैं, तो हम लोग पहले क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला क्लास कौन सा है, तो कैल्केरिया है या कैल्सी स्पंजी है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि स्मॉल साइज्ड इसके जो मेंबर होते हैं, इस क्लास के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनका आकार छोटा होता है और ये कैल्केरियस स्पंज होते हैं, ठीक है। रखिएगा, इनका जो शरीर होता है, उसका जो अंतः कंकाल हम बोले, या कंकाल जो हम बोले, स्केलेटन समझते हैं आप लोग, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका साइज जो होता है वो बिलो 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर छोटा होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो अकेले रहते हैं, सोलिटरी होते हैं, अदरवाइज समूह बना के रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल मतलब झुंड बना के रहते हैं एक साथ। इनके शरीर का जो आकार होता है, बॉडी शेप सिलेंड्रिकल और वेस लाइक, इनका शरीर जो होता है बेलनाकार होता है या गुलदस्ते के आकार की तरह होता है, ठीक है। गुलदस्ता समझते हैं आप लोग, वेस शेप होता है। स्केलेटन ऑफ और सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेट वन और थ्री फोर रेज कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स, ठीक है। इनका जो कंकाल है वो अलग अलग, मतलब अलग एक या कुछ ऐसे कांटों से बना होता है जिसमें एक रे हों या दो रे हों या फिर चार रेज हों, चार कांटे निकले रहते हैं बाहर, ठीक है। और ये कैल्शियम युक्त होता है कांटे, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्केनॉइड साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप। इनके शरीर की बनावट जो होती है इनके इवोल्यूशन के आधार पर होती है, इनके विकास के आधार पर होती है। इनके शरीर के बनावट को हम लोग एस्केनॉइड बोलते हैं, साइकोनॉइड बोलते हैं और ल्यूकोनॉइड बोलते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल जो है एस्केनॉइड है, फिर उसके बाद थोड़ा जटिल साइकोनॉइड, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है, सबसे जटिल जो बनावट होती है वो ल्यूकोनॉइड की होती है, यानी कैल्शियम स्पंजी का ग्रुप ये बता रखा है। तीन ग्रुप में बटे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इस क्लास के जो सदस्य होते हैं वो मोस्टली समुद्री होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस क्लास, ये जो क्लास है वो बटा हुआ है आपके कितने में, तो दो ऑर्डर में बटा हुआ है। और ऑर्डर्स का नाम क्या क्या है, इसके ऑर्डर बोलते हैं होमोसिला और दूसरे ऑर्डर बोलते हैं हेट्रोसिला। होमोसिला और हेट्रोसिला के दूसरे नाम भी हैं। होमोसिला को हम लोग एस्कोनोसा भी बोलते हैं और हेट्रोसिला को हम लोग साइकोनोसा भी बोलते हैं, ठीक है। इनके मेंबर्स हैं, जो होमोसिला के जो मेंबर्स हैं वो ल्यूकोसोलिनिया है, ये मोस्ट कॉमन स्पंज है जिसको आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट से ही पढ़ते आ रहे हैं, जेसी में भी आ गया, क्लियर। तो ल्यूकोसोलिनिया जो है वो होमोसिला का मेंबर है, और ये ऑर्डर किस, ये जिस होमोसिला ऑर्डर जो है वो किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो कैल्केरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि हेट्रोसिला का जो मेंबर है वो साइफा है, ठीक है, स्काइफा है, साइफा कहिए, स्काइफा कहिए जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग साइकॉन बोलते हैं, ये इसका मेंबर है। ये भी एक कॉमन स्पंज है जो अभी हम लोग इस साल के सिलेबस में हम लोग के हैं, क्लियर। हम लोग होमोसिला को पढ़ रहे हैं, ठीक है। होमोसिला में है क्या कि इस स्पंज की जो बॉडी होती है, ठीक है, होमोसिला की जो बॉडी होती है वो एस्केनॉइड होती है, बेलनाकार होती है, ठीक है, लिखा हुआ है एस्केनॉइड स्पंज है। शरीर सिलेंड्रिकल है और रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। अरीय सममित वाला इसका शरीर होता है, इसका शरीर एस्केनॉइड सिलेंड्रिकल और अरीय सममित वाला होता है, हो जाएगा। और ये सममित समझते हैं आप लोग, किसी भी प्लेन से काटेंगे दो इक्वल हाफ मिल जाएगा अगर शरीर का, उसे हम लोग अरीय सममिति या
रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, क्लियर। इसके इसका बॉडी वॉल जो होता है अनफोल्डेड होता है। जबकि हम लोग को साइकॉन पढ़ाया जाना और पढ़ना है, साइकॉन में बॉडी वॉल जो होता है फोल्डेड होता है, मुड़ा होता है, ठीक है। इन करंट और रेडियल कैनाल पाया जाता है ना, वो फोल्डिंग बॉडी वॉल के फोल्डिंग की वजह से बनता है। लेकिन अगर हम बात हम लोग होमोसिला की करेंगे तो होमोसिला की बॉडी वॉल जो होती है फोल्डेड नहीं होती, और जो इनर लेयर है, याद रखिएगा आउटर लेयर जो होता है स्पॉन्ज में वो पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जो इनर लेयर है, इनर लेयर अगर बॉडी फोल्डेड नहीं है तो अंदर एक कैविटी मिलेगी, उस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं, और स्पॉन्जोसील के कॉन्टेक्ट में बॉडी वॉल का जो लेयर आता है वो स्पेशल टाइप की कोशिकाओं का बना होता है। उन कोशिकाओं को हम लोग कोइनोसाइट्स कहते हैं या कीप कोशिका कहते हैं, यानी स्पॉन्जोसील वाले लेयर पे पूरी की पूरी कीप कोशिका लगी रहेगी, कोइनोसाइट लगी रहेगी, ठीक है। ये जो सदस्य होते हैं होमोसिला के सदस्य, ये भी कॉलोनियल होते हैं, समूह बना के रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है क्या, तो ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा जो ऑर्डर है इसका वो हेट्रोसिला है, ठीक है, या साइकोनोशा कहा जाता है, हेट्रोसिला है या क्या बोल रहे हैं, साइकोनोशा कहा जाता है। इनके जो बॉडी की जो बनावट होती है वो साइकोनॉइड होती है या ल्यूकेनॉइड स्पंज होता है। इसकी बॉडी वॉल मोटी होती है, इसकी बॉडी वॉल फिर बोले देहभित्ति जो होती है, हो जाएगा वो मोटी होती है, और आकार जो होता है इसका वो वेज शेप होता है, गुलदस्ते नुमा होता है, क्लियर। आगे इसकी बॉडी वॉल मोटी होने का मुख्य कारण क्या है, सेकंड लाइन लिख रहा है बॉडी वॉल इज फोल्डेड। बॉडी वॉल इसका इंटरनली मुड़ा हुआ होता है, फोल्डेड होता है, जिसकी वजह से इन करेंट कैनाल और रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम लोग साइकॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। याद रखिएगा कोइनोसाइट्स कोशिकाएँ जो हैं, कोइनोसाइट्स कोशिकाएँ जो हैं, जो क्या कहते हैं होमोसिला में स्पॉन्जोसिल के कॉन्टैक्ट में थी, यहाँ पे कोइनोसाइट कोशिकाएं जो होंगी वो रेडियल कैनाल में पाई जाती हैं, ठीक है। कोइनोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं वो रेडियल कैनाल में पाई जाती हैं, और रेडियल कैनाल में कोइनोसाइट्स कोशिकाओं के पास फ्लैजला होता है, और ये रेडियल कैनाल को बना रही हैं, रेडियल कैनाल के वॉल को बना रही हैं, तो वो जो चैम्बर बन के तैयार होता है, रेडियल कैनाल का चैम्बर, उसमें फ्लैजला दिखाई देता है, उसके वॉल से लटके हुए फ्लैजला दिखते हैं, सो इस चैम्बर को हम लोग फ्लैजलेटेड चैम्बर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है ये जो ग्रुप इस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो सोलिटरी जीवन भी बिता सकते हैं, एकल जीवन भी बिता सकते हैं, इसके अलावा ये कॉलोनियों में भी पाए जाते हैं, क्लियर। इसका एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। स्काइफा हो जाएगा, क्लास सेकंड जो है, ठीक है, वो हाइलो स्पंजी है, क्लास सेकंड जो है पोरीफेरा का वो हाइलो स्पंजी है, या इसको और नाम से भी जाना जाता है, हाइलोज मीन्स होता है ग्लास, याद रखिएगा, हाइलोज मीन्स होता है ग्लास, और स्पॉन्ज तो स्पॉन्जी हो गया, ठीक है। हम लोग अगर हाइलो स्पंजी की बात करेंगे तो इनका शरीर जो होता है कांच की तरह दिखाई देता है, और इनकी लंबाई जो होती है वो ज़्यादा हो सकती है, मॉडरेट ग्लास स्पंज जिसे बोलते हैं, और इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इन स्पंजों की लंबाई जो है हाइलो स्पंजी की वो 1 मीटर तक हो सकती है। इनके बॉडी का जो आकार होता है वो कप नुमा, ठीक है, या अर्न शेप, यही गुलदस्ते नुमा या वेज शेप होता है। इनके शरीर का आकार क्या बता दिया गया, हाइलो स्पंजी का, इनका जो आकार होता है वो भी कपनुमा या गुलदस्तेनुमा होता है, याद रखिएगा। इनके अगर हम लोग स्केलेटन की बात करेंगे, अगर स्केलेटन यानी कंकाल की बात करेंगे, जो शरीर के वॉल में जो कंकाल है वो किस चीज़ का बना होगा, तो 6 रेज पाई जाती हैं कंकाल की, जब स्टडी करेंगे आप तो 6 रेज किरणें पाई जाएंगी, और ट्राई एक्सोन होता है, और सिलिका का बना होता है, याद रखिएगा, ट्राई एक्सोन होता है, हर जगह से त्रिकोण तीन रेज निकले रहते हैं, और सिलिकेसियस स्पाइंस का बना होता है, यानी सिलिका युक्त कांटों का बना होता है, ठीक है, हो जाएगा आगे, सिलिका युक्त कांटों का। बना होता है। इसमें लिखा हुआ है कि इस पे कोई डर्मल एपिथीलियम नहीं पाया, नो डर्मल एपिथीलियम या एक्सोपिनेकोडर्म, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी डर्मल एपिथीलियम यानी बाहर से कोई त्वचा नहीं पाया जाता, नहीं एक्सोपिनेकोडर्म पाया जाता, नहीं एक्सोपिनेकोडर्म पाया जाता है। कोइनोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, कोइनोसाइट्स समझते हैं आप लोग, कीप कोशिकाओं को हम लोग कोइनोसाइट्स कहते हैं, जो कोइनोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो केवल फिंगर शेप अंगुली नुमा चेंबर्स होते हैं इनमें, उन्हीं चेंबर्स तक सीमित होते हैं, उसके आगे नहीं जाते। इस क्लास के जो भी प्राणी हैं, हाइलो स्पंजी के भी जो प्राणी हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, और मेनली डीप सी गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, और जगह नहीं मिलते, ठीक है। इनको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कितने ऑर्डर में बांटा हुआ है ये, ठीक है, तो ये भी जो है हाइलो स्पंजी भी जो है 2 ऑर्डर में बांटा हुआ है, क्लियर। कौन कौन सा ऑर्डर है, हेक्सा स्टोरोफोरा,
हेक्सा स्टीरोफोरा है, और सेकेंड ऑर्डर क्या है, एम्फी डिस्कोफोरा है, ठीक है, दो है इसको याद रखिएगा। पहला जो इसका ऑर्डर है वो आपका हेक्सो स्टीरोफोरा है, और सेकेंड जो है वो एम्फी डिस्कोफोरा है। हेक्सा स्टीरोफोरा का जो एग्जाम्पल है वो यू प्लैक्टेला, याद रखिएगा, यू प्लैक्टेला इसका एग्जाम्पल है, जो मोस्ट फेमस स्पंज है। यू प्लैक्टेला स्पंज को जापान वाले बहुत ज़्यादा इसको इज्जत देते हैं, ठीक है, ये बहुत मानते हैं इसको। इसे हम लोग वीनस फूलों की डलिया भी कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। वीनस मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ अलग अलग भारत में अलग अलग देवता हैं, भगवान हैं, देव हैं, बिल्कुल वैसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सुंदरता की देवी को वीनस बोलते हैं, क्लियर, सुंदरता की देवी को वीनस बोलते हैं, और वीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है यू प्लैक्टेला को, यानी सुंदरता के देवी के फूलों की डलिया है, दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है, और इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका ये किस ऑर्डर का मेंबर है, तो हेक्सा स्टीरोफोरा का मेंबर है, क्लियर, हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। इस स्पाइक्यूल्स ऑफ हेक्सा हेक्सा स्टार्स, क्लियर, इनका जो कांटा होता है वो तारे की तरह होता है, छः कोण निकले रहते हैं, छः कांटे निकले होते हैं, स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है, विथ एक्सिस ब्रांचिंग इनटू रेज एट देयर एंड, इनके जितने भी स्टार शेप स्पाइक्यूल्स निकल रहे हैं वो शाखाएँ बनाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इनके जुड़ने से पूरी एक डलिया की तरह संरचना बनती है। इनका जो फ्लैजलेटेड चैम्बर होता है, ठीक है, वो लिखा हुआ है आर रेडियली अरेंज। इनका जो कसाब कच्छ होता है वो नियमित होता है, रेगुलेटेड होता है, और कैसा होता है तो रेडियली सिमेट्रिकल भी होता है, रेडियली अरेंज होता है, याद रखिएगा, प्राय सीधे ही आधार तल से चिपके रहते हैं, इसमें लिख रखा है यूजुअली अटैच विद सबस्ट्रेटम। ये जो स्पॉन्ज है वो सीधे सीधे ज़मीन से चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यू प्लैक्टेला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, वीनस फूलों के डलिया हम बोल रहे हैं वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर है कौन सा है, तो एम्फी डिस्कोफोरा है, ठीक है, एम्फी डिस्कोफोरा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइलोनेमा है, क्लियर, और फेरोनेमा है, हाइलोनेमा और फेरोनेमा है। फेरोनेमा का जो जनरल नाम है वो बाउल स्पंज है, यानी प्यालेनुमा स्पंज है, ठीक है, ठीक है, प्यालेनुमा स्पंज है, हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। स्पाइक्यूल्स ऑफ एम्फी डिस्क, जो इसका कांटा होता है, ठीक है, वो कटोरीनुमा संरचना बनाता है विथ अ कॉन्वेक्स डिस्क। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, उत्तल प्लेट बनाता है, ठीक है, बियरिंग बैकवर्डली डायरेक्टेड मार्जिनल टीथ, जिसमें पीछे की ओर कांटेनुमा संरचना निकल रहता है, ठीक है, कांटेनुमा संरचना निकल रहता है। फ्लैजलेटेड चैम्बर जो होता है उसका और स्पंज की तुलना में अलग होता है, सामान्यतः फ्लैजलेटेड चैम्बर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल स्पंजेस। टिपिकल स्पंज मतलब क्या पढ़े हम लोग, पीछे हम लोग पढ़े हैं ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन पढ़े हुए हैं, तो साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया से हट के इसका फ्लैजलेटेड चैम्बर होता है। फ्लैजलेटेड चैम्बर किसको बोलेंगे, यानी वो चैम्बर जिसकी दीवार पे कोइनोसाइट कोशिकाएं लगी होंगी, ऐसा चैम्बर, ऐसा खोखला भाग जिसकी वॉल पे कौन सी कोशिका लगी होगी, तो ठीक है, कोइनोसाइट कोशिका या कीप कोशिका लगी होगी, उसी को हम लोग फ्लैजलेटेड चैम्बर कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगला क्या, यूजुअली अटैच टू सबस्टर्टम बाई रूट टफ्ट। ये जो स्पंज है, ठीक है, जिसे हम लोग हाइलोनेमा या फेरोनेमा बोल रहे हैं, ये जो स्पंज हैं वो अपने निचले हिस्से से, ठीक है, निचले हिस्से से एक गुच्छेनुमा संरचना होता है, ठीक है, निचले हिस्से गुच्छेनुमा संरचना होता है, उसे रूट टफ्ट कहते हैं, गुच्छेनुमा संरचना होता है, उसके द्वारा आधार से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्डर क्लास है वो डेमो स्पंजी है, क्लियर, इसके बाद जो क्लास है वो डेमो स्पंजी है, थर्ड क्लास है फाइलम पोरीफेरा का, डेमो स्पंजी, ठीक है। इसका डेमोज मतलब होता है फ्रेम, और स्पंजेज मतलब होता है स्पंज, जानते हैं आप, ठीक है। ये जो स्पंज होते हैं, लिखा हुआ है स्मॉल टू लार्ज साइज, इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो स्पंज हैं उनका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये जो स्पंज हैं वो सोलिटरी भी जीवन बिताते हैं या कॉलोनियल जीवन भी बिताते हैं। डेमो स्पंजी के जो स्पंज हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं और समूह में भी रह सकते हैं। इसके अलावा बॉडी शेप इज लाइक वेस, इनका जो शरीर का आकार होता है कैसा होता है, ठीक है, गुलदस्तेनुमा होता है, क्लियर, या कपनुमा होता है, या कुशननुमा होता है, कुशन, ठीक है। स्केलेटन इज सिलिसस स्पाइक्यूल्स, इनका जो कंकाल होता है वो सिलिका का बना हुआ होता है, ठीक है, सिलिका का बना हुआ रहेगा, या लिखा हुआ है और स्पॉन्जिन या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होगा, या फिर
इन दोनों केमिकल, दोनों रसायन का बना होगा अथवा कोई भी रसायन नहीं बना होगा, किसी भी रसायन का नहीं होगा, इन दोनों में से किसी रसायन का नहीं होगा। क्या बोल दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, कि यानी डेमोस्पंजी के जो फंग स्पॉन्जेस हैं, इनका जो स्केलेटन है, कंकाल जो है, वो सिलिका के कांटों का भी बना हो सकता है, इन स्पॉन्जिन के फाइबर का भी बना हो सकता है, ठीक है, या दोनों के अलग अलग फाइबर्स का बना हो सकता है, या कोई भी फाइबर्स का नहीं बना हो सकता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। स्पाइक्यूल्स आर मोनो एक्सॉन या टेट्रा एक्सॉन, इसके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं सुई की तरह होंगे, एक एक्सिस होगा, या तीन चार अलग अलग कांटे उससे निकल सकते हैं उसके स्पाइक्यूल से, ठीक है। नेवर ट्राई एक्सॉन, कभी भी तीन कांटे नहीं निकलेंगे उससे, एक स्पाइक्यूल कभी भी तीन कांटों ट्राई रेडिएट नहीं होगा वो, ठीक है, तीन कांटे कभी भी नहीं बनाएगा। याद रखिएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ल्यूकेनॉइड, इन स्पंजों का जो शरीर का संगठन है, शरीर की जो बनावट है, वो ल्यूकेनॉइड टाइप होती है। कौन सा टाइप बोल रहे हैं, ल्यूकेनॉइड टाइप होती है। आगे है कोइनोसाइट्स, याद रखिएगा, इनके इनके शरीर में कोइनोसाइट्स रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल राउंडेड चैम्बर, इनका जो कोइनोसाइट्स है वो केवल कुछ छोटे चैम्बर तक निर्धारित होता है। जब इनके बॉडी की बनावट को देखोगे तो छोटा छोटा चैम्बर दिखाई देगा, और उन्हीं चैम्बर में, उन्हीं चैम्बर्स के दीवार में कोइनोसाइट्स पाया जाता है। कोइनोसाइट्स मतलब क्या हो गया, कीप कोशिका पाया जाता है। इस समूह के या इस क्लास के जितने भी स्पॉन्जेज हैं वो सभी के सभी समुद्री होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रेश वाटर फैमिली, लिखा हुआ है केवल एक फैमिली है जिसे स्पॉन्जी लीडी बोलते हैं, एक फैमिली केवल है जिसे स्पॉन्जी लीडी बोलते हैं। इस फैमिली के मेंबर्स को छोड़ करके इस क्लास के जितने भी सदस्य हैं सब कहाँ पाए जाते हैं, तो सब समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको इसने बांट दिया डेमो स्पॉन्जी को सबसे पहले सब क्लासेस में, कौन कौन सा सब क्लास है आप लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। पहला सब क्लासेस में दिखा हुआ है टेट्राक्टिनेलिडा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये जो सब क्लास है इसमें लिखा हुआ है इसके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो हमेशा टेट्राएक्सॉन होते हैं, टेट्राएक्सॉन होंगे या ऑब्सेंट होगा, याद रखिएगा। इनके इनके स्पाइक्यूल से चार जो केंद्रीय भाग होगा उससे चार सुईनुमा रचनाएं निकलेंगी, ठीक है, चार केंद्रीय भाग, एक केंद्र को ले लेंगे और चार सुईनुमा रचना निकलेगी, अथवा स्पाइक्यूल्स इसमें एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, याद रखिएगा। स्पॉन्जिन नहीं पाया जाएगा, स्पॉन्जिन एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है, स्पॉन्जिन नहीं पाया जाएगा। इनका इनका शरीर जो होता है स्पॉन्जेस का, इस क्लास के स्पॉन्जेस का, वो चपटा होगा या गोलाकार होगा, चपटा होगा या गोलाकार होगा। इनका जो रंग होगा, इनके शरीर का जो रंग होगा वो मंद हो सकता है, हल्का हो सकता है, या इनके शरीर का रंग ब्राइटली चटक रंग का भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस सब क्लास के जो मेंबर्स हैं, इस सब क्लास में मेंबर्स हैं मोस्टली इन सैलो वाटर, इसके जो मेंबर्स हैं वो उथले पानी में रहेंगे, छिछला पानी, उथला पानी, जहाँ गहराई ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसे बांटा गया है, इस उपवर्ग को तीन ऑर्डर्स में, इस उपवर्ग को तीन ऑर्डर में बांटा गया है। क्या क्या लिखा हुआ है, मिक्सो स्पॉन्जिनिडा है, दूसरा क्या है, कार्नोशा है, और तीसरा क्या है, कोरिस्टीडिया, याद रखिएगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ था, मिक्सो स्पॉन्जिडा लिखा हुआ है, दूसरा कार्नोशा लिखा हुआ है, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, कोरिस्टीडिया लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इसमें मिक्सो स्पॉन्जिनिडा जो दिया हुआ है, स्पॉन्जिडा जो दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी संरचना सरल होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, क्लियर। और इसमें स्पाइक्यूल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं, और स्पाइक्यूल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। इसका जो कॉमन सिंपल एग्जांपल है वो लिखा हुआ है भी हाली सारका, ये इसलिए याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ऑर्डर दूसरा जो है कार्नोशा है, ठीक है, कार्नोशा का आकार जो होता है इक्वल साइज होता है, ठीक है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। इनका जो शरीर है लगभग उतना ही बड़ा होता है जितने बड़े इसके पास कांटे होते हैं, एकदम समान लंबाई के, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो चोंड्रिला है, याद हो जाएगा, एकदम काम आसान नाम है, ठीक है, चोंड्रिला, एक ही बार में याद हो जाएगा, इसका ऑर्डर याद हो ना हो लेकिन एग्जांपल याद हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, सब क्लास, कितना क्लास हुआ, ठीक, तीसरा कौन क्लास क्या है, कोरिस्टीडिया है, ठीक है, कोरिस्टीडिया, सॉरी कौन स्टीडिया, ऑर्डर है कोरिस्टीडिया है, ठीक है। बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट, इस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं
उनके शरीर में छोटे कांटे भी मिलते हैं और बड़े कांटे भी मिलते हैं, क्लियर। और इसका एग्जांपल क्या है, जियोडिया है इसका एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको होगा, जो आप जल्दी आपका जो वन कर जाएगा वो जियोडिया है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सब क्लास सेकेंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डेमो स्पॉन्जी के सब क्लास सेकेंड की बात कर रहे हैं। क्या है इसका सब क्लास सेकेंड, हाँ मोनो ऑक्सिनिडा है, मोनेक्सोनिडा है, मोनेक्सोनिडा, ठीक है। मोनेक्सोनिडा में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इनके कांटे, जो इसका स्केलेटन है उसके जो कांटे हैं वो कैसे होते हैं, तो मोनो एक्सॉन होते हैं, स्पाइक्यूसर मोनो एक्सॉन, यानी एक सुई नुमा होगा, ठीक है, सुई नुमा संरचना होगी। स्पॉन्जिन प्रेजेंट और अब्सेंट, जो इसका कंकाल है वो स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना भी हो सकता है और बिना स्पॉन्जिन प्रोटीन का भी हो सकता है। बॉडी फॉर्म वेरिएबल, इसके शरीर का जो रूप है, इस सब क्लास के जो मेंबर्स होंगे उनका जो संरचना है वो बदलाव वाला होता है, सारे सदस्य एक जैसे नहीं होते। और ये सदस्य जो होते हैं मोस्टली सैलो वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली इन सैलो वाटर, छिछले पानी में पाए जाते हैं। कुछ इसके सदस्य ऐसे हैं जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ इसके सदस्य किसके सदस्य, मोनो एक्सोनिडा के जो सदस्य हैं कुछ ऐसे हैं जो डीप वाटर सी में भी पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी नदी और झील के, नदी झील जो जिसमें खारा पानी नहीं होता उस जल में पाए जाते हैं। इसे क्लासिफाई किया गया, कितने ऑर्डर में बांटा गया है देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ठीक, इसे चार ऑर्डर में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, हेड्रोमेराइना है, दूसरा क्या है, हेलिकोड्राइना है, कॉन्ड्रेना है, और नेक्स्ट क्या है, पोएसिलो इसके राइना है, सीलो इसके राइना पढ़ेंगे उसे हम लोग, ठीक है, और लास्ट क्या है, हेप्लो इसके लिए राइना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो ऑर्डर है, पहला जो ऑर्डर है कौन सा है, तो हाइड्रोमेराइना है, फर्स्ट ऑर्डर इसका जो है हाइड्रोमेराइना है। इसके जो कांटे होते हैं वो बड़े होते हैं और इनके किनारे जो होते हैं खूंटीदार होते हैं, घुंडी नुमा होते हैं, लार्ज स्पाइक्यूल्स एंड नॉब्ड लिखा हुआ है, नॉब्ड एट एंड, ठीक है, बड़े कांटे हैं और नॉब्ड हैं, स्मॉल स्पाइक्यूल्स, ठीक है, छोटे कांटे भी हो सकते हैं, स्टार लाइक होते हैं, इनके बॉडी में पाए जाते हैं, और स्पॉन्जिन नहीं पाया जाता, इनका कंकाल जो होता है वो स्पॉन्जिन नाम के प्रोटीन का नहीं बना होता। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, बोरिंग स्पॉन्ज लिखा हुआ है, क्लियोना, ठीक है, स्पॉन्जिल, हाँ इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लियोना लिखा हुआ है, ठीक है, बेधक स्पॉन्ज इसे बोलते हैं। अगला क्या लिखा है, हाँ हेलिकोंड्रिना लिखा हुआ है, हेलिकोंड्रिना, ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं, इनके स्पॉन्जेज जो होते हैं, जिनके कांटे जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कई प्रकार के होते हैं, यूजुअली टू रेज, प्रायः दो रेज, दो कतारें पाई जाती हैं, स्पॉन्जिन प्रेजेंट एंड स्कैंटी, ठीक है, याद रखिएगा इसमें स्पॉन्जिन पाया जाता है, स्पॉन्जिन प्रोटीन, लेकिन स्पॉन्जिन प्रोटीन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, हेलिकोंड्रिया है, ठीक है, हेलिकोंड्रिया है, या लिखा हुआ है रोटी का टुकड़ा, क्रम और ब्रेड, ठीक है, टुकड़े की तरह दिखता है ये, ठीक है। और अगला क्या है, हाँ सीलो स्क्लेराइना है, पी सेलेंट जाएगा, सीलो पी ओ ई सी आई एल ओ स्क्लेराइना, सीलो स्क्लेराइना है, इसमें जो कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, सीलो स्क्लेराइना, इसके जो कांटे पाए जाते हैं क्लियर, वो बड़े होते हैं, लार्ज स्पाइक्यूल्स यूनाइटेड बाई स्पॉन्जिन इन टू द रेगुलर नेटवर्क, इनके जो कांटे हैं बड़े बड़े होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, और आपस में जुड़ने की वजह से पूरा एक जालनुमा संरचना बन जाता है। स्मॉल स्पाइक्यूल्स जो होते हैं इसमें सी शेप्ड होते हैं, सी आकार के होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, सी आकार के होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, धनुष के नुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है, पूरा जो इसके सदस्य हैं उनका आकार लगभग धनुष की तरह हो जाता है, ठीक है। इसे इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या लिखा है, माइक्रोशियोना है, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है किसका, माइक्रोसियोना है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेप्लो स्क्ले राइना है, हो जाएगा जो फोर्थ ऑर्डर है इसका, याद रखिएगा इस पे इसके भी स्पाइक्यूल्स जो होते हैं, कांटे जो होते हैं दो रेज में होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, यूजुअली नो स्मॉल स्पाइक्यूल्स, छोटे कांटे इसमें नहीं पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन यूजुअली प्रेजेंट, स्पॉन्जिन पाया जाता है इसके कंकाल में, हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, जो सबसे आसान एग्जाम्पल होगा वो पढ़िएगा, हेलिक्लोना लिखा हुआ है या स्पॉन्जिला लिखा हुआ है, स्पॉन्जिला आप कॉलेज पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक ना, स्पॉन्जिला इसका एग्जांपल है, हो जाएगा, स्पॉन्जिला इसका एग्जांपल है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद सब क्लास दिया हुआ है, सब क्लास कौन सा है, और ये लास्ट सब क्लास है,
कैरेटोशा, सब क्लास कैरेटोशा है, क्लियर? कैरेटोशा हम लोग पढ़ रहे हैं। हॉर्नी स्पंजेज, ठीक है, इनका जो कंकाल होता है वो सिंग की तरह होता है। सिंग समझते हैं, जो जैसे हिरण वगैरह है उसके सिंग पाए जाते हैं, हॉर्न पाए जाते हैं, उनके जैसा पाया जाता है। कंटिकाओं का, स्पाइक्यूल्स का अभाव होता है, इनमें स्पाइक्यूल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। कैरेटोशा में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड नंबर, बोथ फॉर्म यूजुअली राउंडेड एंड मैसी, इनके पास जो भी रूप पाए जाते हैं, ठीक है, वो गोलाकार होते हैं और भारी होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनके शरीर का जो सतह होता है वो चीमड़ होता है, लेदरी होता है, ठीक है, एंड डार्क कलर होता है, ठीक है, और गहरे रंग का होता है। फिर हम बोल रहे हैं आकार बड़ा होता है, मैसिव होता है, गोलाकार होता है, शरीर का सतह जो होता है चीमड़ होता है, ठीक है, और डार्क कलर होता है। एग्जाम्पल क्या है, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, या बाथ स्पंज बोलते हैं, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं बाथ स्पंज, या हिप्पो स्पंजिया, हॉर्स स्पंज से बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पोरीफेरा पढ़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन जाकर देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी भी है, और ये जब आएगा आपने तो 10 मार्क्स का आ सकता है, क्लियर, इसको ध्यान से पढ़िएगा।